हाँ नमस्कार बच्चों, बहुपद अध्याय दो पॉलिनोमियल्स हमारी चल रही थी और इसमें आज एक महत्वपूर्ण चीज हम ले रहे हैं, अंडररूट दो यानी वर्गमूल दो वर्गमूल तीन आदि संख्याएं जो अपरिमेय हैं उनको हम सिद्ध करेंगे। अच्छा बच्चों, हमारा ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स तो बाद में आएगा, अभी वास्तविक संख्याएं चल रहा है, पॉलिनोमियल्स नहीं बच्चों। पॉलिनोमियल्स थर्ड चैप्टर है, अध्याय दो वास्तविक संख्याएं। यस, रियल नंबर्स। ध्यान दीजिए, माना P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है। प्रमेय 2.3 की हम बात कर रहे हैं, पेज नंबर 36, और इसमें A एक धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा ए एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब प्रमेय यह कहती है कि पी यदि ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। यस बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो P A को भी विभाजित करेगा, 2.3 इसी प्रमेय का उपयोग करते हुए हम वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 वर्गमूल 4 नहीं आदि को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। और ये आपका प्रमेय 2.4 में भी दिया गया है, प्रमेय 2.5 और इसी तरह से ये प्रमेय 2.5 के बाद में अगला प्रमेय 2.5 अंडररूट 3 को बता रखा है, फिर वर्गमूल 5 को बता रखा है। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो प्रमेय अलग अलग, ये प्रमेय इनको भी हम समझ रहे हैं और उदाहरण भी समझेंगे, जिससे ये जो अगली एक्सरसाइज है 2.3, ये तो प्रमेय 2.3 थी, एक्सरसाइज 2.3 हमारे को आसान लगे। ठीक है, तो हम आज आप लोगों के ये वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 इन्हीं को ले रहे हैं। क्या? इरेशनल नंबर प्रूव करना। वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 को अपरिमेय सिद्ध करना, याद रखना ये प्रमेय उसमें लगेगी। बस इसका स्टेटमेंट पूरा अगर आपको याद रह सके तो पूरा लिख दीजिए, नहीं तो फिर हमारे को प्रमेय 2.3 लिखना होगा और उसके आधार पे चलाना होगा। ठीक है, समझिए, वास्तविक संख्याओं का चैप्टर हमारा चल रहा था और ये प्रमेय उसमें यूज आएगी। यस, और ये विरोधाभासी मेथड से सिद्ध होती है बच्चों, ध्यान रखिए। प्रमेय 2.5 हम ले रहे हैं, 2.4 पेज नंबर 37 सिद्ध करना है, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है, टारगेट है हमारा, सिद्ध करना है वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। यस, ध्यान दीजिए, तो इसको सिद्ध करने में हमने क्या किया, इस जगह पे दो अलग अलग भाग कर लेते हैं क्योंकि प्रमेय लंबी है बच्चों, आप लोगों को पीछे बैठे हुए बच्चों को भी दिखाई दे इस बात का ध्यान रखना है, बुक के अनुसार ही हम चल रहे हैं, हमें मालूम है ये एक अपरिमेय संख्या है लेकिन इसको विरोधाभासी
द्वारा सिद्ध किया जाता है, और इसमें हम वर्गमूल दो को पहले एक परिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है, ये प्रूफ ले रहे हैं, प्रमाण ले रहे हैं, इसका उपपत्ति बोल दीजिए या प्रमाण बोल दीजिए। प्रूफ क्या है? माना वर्गमूल दो, क्योंकि इसी तरह का मैं वर्गमूल तीन भी लूंगा सिद्ध करने के लिए। वर्गमूल दो एक परिमेय संख्या है, यानी रैशनल नंबर। आज थोड़ा सा लिखने का मैटर ज्यादा है, ध्यान रखिए। यस, तो हमने वर्गमूल दो बराबर ए बटे बी मान लिया। कभी भी कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है बच्चों? एक तो सह अभाज्य, शब्द ध्यान रखना, सह अभाज्य और पूर्णांक है। a और b दो पूर्णांक है, यहां a व b दो सह अभाज्य। अब ये सह अभाज्य क्या होता है, ये भी हम आप लोगों को समझाएंगे। सह अभाज्य पूर्णांक है, को प्राइम नंबर्स। देखिए, को प्राइम नंबर उनको कहते हैं बच्चों, जैसे 15 और 16, इनमें आपस में कोई कॉमन नहीं है, यानी कि इनका एचसीएफ एक है। ठीक है, इनका खुद का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए सह अभाज्य है, इनमें कोई कॉमन नहीं है। चाहे 13 और 14 हमने ले लिया, ये भी सह अभाज्य है, कोई कॉमन नहीं है। यानी कॉमन एक तो आता ही है, एक के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है। अब हमने इसको क्या किया, वज्र गुणन किया। ठीक है, या अभी ही दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे इसका स्क्वायर और a बटे b का स्क्वायर, तो यहां 2 का स्क्वायर, अंडररूट 2 का स्क्वायर 2 बन गया, और ये बन गया बच्चों 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर एक दे दीजिए। पहले ये स्क्वायर हुआ 2 बना, ये a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बना, b स्क्वायर इधर आके गुणा हुआ, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब हमने यहां इस जगह पे वो प्रमेय लगा दी जो अभी अभी हमने बोली थी, प्रमेय 2.3 कि a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, तो यहां प्रमेय, अब पूरा जिक्र नहीं कर रहे, केवल हम प्रमेय 2.3 लिख रहे हैं। 2.3 के अनुसार, ठीक है, a स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। ध्यान रखिए, यहां प्रमेय 2.3 के अनुसार a स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्योंकि a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर आ रहा है, तो 2 का गुणज होने से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। इसका किसका प्रमेय? प्रमेय 2.3 के अनुसार यह स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं। अब हम यहां पे जब a 2 से विभाजित हो रहा है तो एक नया पूर्णांक c लेते हैं, बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसलिए a बराबर एक नया पूर्णांक हम 2c लेते हैं, और यहां c पूर्णांक है, यहां C एक पूर्णांक है। इन तीनों को हम लेंगे एक एक करके, अभी वर्गमूल 2 ले रहे हैं। यहां C एक
पूर्णांक है। यस बच्चों, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 बना दिया हमने। ठीक है, यहां प्रमेय 2.3 के अनुसार ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से ये भी ए स्क्वायर बराबर है और ये भी ए स्क्वायर बराबर है, तो दोनों को आमने सामने कर दिया, ए स्क्वायर का मान रख दिया समीकरण 1 व 2 से। ए स्क्वायर की जगह पे हमने 2b स्क्वायर रख दिया, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो 2 से कट गया। पुनः पुनः देखिए, ये ए स्क्वायर की जगह ये ए स्क्वायर का मान हमने रिप्लेस कर दिया, 2 से ये कट गया, तो बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। एक बार फिर से यही बात यहां आ गई, प्रमेय 2.3 की बात, तो यहां प्रमेय पूरा डिटेल फिर से नहीं लिख रहे, प्रमेय 2.3 के अनुसार इस बार हम बी स्क्वायर के लिए बोल रहे हैं, यहां ए स्क्वायर के लिए बोले थे, यहां बी स्क्वायर के लिए बोल रहे हैं। बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, ठीक है, इसलिए बी भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब बच्चों सुनो, यहां हम कह के आए ए 2 से विभाजित होगा, यहां हम कह रहे बी 2 से विभाजित होगा, जबकि हमने ए और बी को क्या माना था, सहअभाज्य, यानी कि इनमें ए के अलावा कोई कॉमन नहीं है, जबकि हमारा उभयनिष्ठ क्या आ गया, 2। यही आपको बुक में मिलेगा कि 2 दोनों को विभाजित करता है, प्रथम व द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि 2 ए व बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन है, बुक में ये सभी दिया है बच्चों, ये वाली चीज ध्यान से समझिए, ये इसका परिणाम है, ये पार्ट और ये, ठीक है, तो दोनों परिणामों से स्पष्ट है कि ए व बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है और वो क्या है, 2। दोनों परिणामों से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, ए व बी में, ए तथा बी में 2 उभयनिष्ठ है। ठीक है, जबकि हमने ए व बी को सहअभाज्य माना था, जबकि ए तथा बी सह अभाज्य, संख्याएं ली गई थी। ठीक है, तो ये जो विरोधाभास आया ना, हमने जो लिया था, ये विरोधाभास किस वजह से आया, क्योंकि हमने जो कल्पना की थी वो गलत थी, इस विरोधाभास का कारण। बच्चों ये लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है,
विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि हमारी जो कल्पना थी वर्गमूल दो वो परिमेय नहीं होके अपरिमेय है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत थी अर्थात वर्गमूल दो एक, ये बच्चों नीचे दिख तो रहा है ना, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आज पूरे बोर्ड का यूज हमने ले लिया क्योंकि आज थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हम ले रहे हैं। यस, इसलिए विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत थी। कौन सी कल्पना? कि वर्गमूल दो एक परिमेय संख्या है, अर्थात वर्गमूल दो एक अपरिमेय संख्या है, यह निष्कर्ष निकल गया। ठीक है ना बच्चों? तो इसको अभी इसी में मैं वर्गमूल दो के अलावा वर्गमूल तीन को लूंगा, वर्गमूल पांच को लूंगा, तो आप लोगों को काफी कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि हमारी इसी क्लास के अंदर ही आप लोगों को यह समझ आ जाए। ये निष्कर्ष दोनों आप लोगों को नजर आ रहे हैं, अभी हम फिर से समझाएंगे बच्चों इसको। और वर्गमूल दो की जगह वर्गमूल तीन, वर्गमूल पांच भी आप लोगों की नजरों के सामने लेंगे, लेकिन एक दो मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है बच्चों आईसीटी की इस लाइव क्लास में। ध्यान से सुनिए बात, यहां प्रमेय 2.4 हम ले रहे थे, सिद्ध करना है अंडरवुड दो एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों इसी में बदलाव करते हुए हम यहां पे वर्गमूल तीन ले रहे हैं, उससे आप लोगों को पोजीशन क्लियर होगी कि अंडरवुड तीन के अनुसार कैसे चलेंगे हम। तो अपने आप याद हो जाएगी, माना
अंडर रूट तीन यानी वर्गमूल तीन एक परिमेय संख्या है। हमें मालूम है कि ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हमने इसको एक परिमेय मान ली। लास्ट में वही बात हमारी गलत साबित हो जाएगी, हमारी कल्पना गलत थी। तो ये विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से है ये। यस, तो यहां पे हमने वर्गमूल तीन को ए और बी के तुल्य ले लिया। ए और बी वही दो सह अभाज्य को प्राइम इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है। इस जगह पे भी चेंज हुआ, ठीक है। और जब स्क्वायर किया तो यहां तीन बन गया बच्चों। और अब ये प्रमेय 2.3 तो 2.3 ही है के अनुसार ए स्क्वायर किससे, तीन से विभाजित है, तो ए भी तीन से विभाजित होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3b स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, तो यहां पे ए भी तीन से विभाजित होगा। अब इधर क्या क्या बदलाव होगा क्या आप बता सकते हैं? हां, ए बराबर हमने 3c लिया, 3 का मल्टीपल, ए बराबर 3c, सी एक पूर्णांक है। अब ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, पहले 2 का स्क्वायर 4 बना था, यहां 9 बनेगा। अब समीकरण 1 व 2 से यहां हुआ 3 और यहां हुआ 9, तो 3 से उधर कटा कितनी बार? 3 बार। बहुत अच्छे बच्चों, ये 9c स्क्वायर तो ये 3c स्क्वायर के बराबर आ गया। जैसे ये परिणाम यहां निकला था वैसे फिर से निकला, वही प्रमेय 2.3 के अनुसार b स्क्वायर किससे विभाजित? 3 से विभाजित। देखो बच्चों, मेरे को लिखना नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको तो दो बार लिखना ही पड़ेगा। मैं तो अभी 5 वाला भी इसी में समझा दूंगा बच्चों। बी स्क्वायर 3 से विभाजित, आप कॉमा लगा सकते हैं, तो बी भी 3 से विभाजित होगा, वही प्रमेय 2.3 कह रही है। तो एक परिणाम ये, एक परिणाम ये, दोनों परिणामों से स्पष्ट है, निष्कर्ष निकला कि ए व बी में दो उभयनिष्ठ है। अरे दो नहीं बच्चों, 3 उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो 3 उभयनिष्ठ है, 3, जबकि ए तथा बी सह अभाज्य संख्याएं ली गई थी, को प्राइम नंबर्स लिए थे। फिर दोनों में ये उभयनिष्ठ कहां से आ गया, कॉमन कहां से आ गया? इस विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत थी। कौन सी कल्पना? कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, ये वाली कल्पना गलत थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों ये, और ये प्रमेय समझाना बेहद जरूरी है और उदाहरण भी देखना जरूरी है, तभी आपको अगली क्लास में हमारे ये 2.3 एक्सरसाइज तभी समझ आएगी, ठीक है ना बच्चों? ध्यान रखना, यस, इसको अच्छी तरह से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। जहां जहां दो था हमने वर्गमूल 3 के अनुसार कर लिया। अब हम एक अगला प्रमेय, तो बच्चों उसमें 2.5 ही हमारी किताब में लिखा हुआ, होना 2.6 चाहिए था बच्चों उस जगह पे, ठीक है। तो हम तो यहां पे 2.6 कर लेते हैं, 2.6, और पेज नंबर हमारा आ गया 38। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पेज नंबर 38 वहां वर्गमूल 5 है। यस, अब इसकी जगह पे, अब की बार बच्चों मैं कम बोलूंगा और आप लोगों से ज्यादा पूछने वाला हूं मैं। 2.5 सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रियल नंबर वाला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या 2.3 के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उपपत्ति में हमने पहले वही वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या हमने मान ली, जबकि हमें मालूम है कि ये एक अपरिमेय संख्या है।
लेकिन जैसा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम विरोधाभासी तरीके से इसको प्रूव कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, उपपत्ति भी लिख सकते हैं, प्रमाण भी लिख सकते हैं, जैसे बुक में लिखा है। यस, आइए क्या क्या बदलाव होंगे इस जगह पे। वर्गमूल पांच, ए बटे बी, ए व बी दो सहभाज्य पूर्णांक है, वही दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो यहां पे भी बदलाव होगा और यहां पे भी बदलाव होगा। ये पांच और इसका स्क्वायर होके 5b² बराबर ये हो गया। यहां प्रमेय 2.3 के, अब ये बच्चे 2.3 ही रहेगी, वो प्रमेय तो वही है, बस यहां बदलाव होगा। ये जो जहां जहां आपको तीन दिख रहे हैं वहां वहां पांच हो जाएंगे। इन तीनों सवालों को एक साथ करना बच्चों, तो आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। हम रटवा नहीं रहे, लेकिन वो रट गए तो बात अलग है, ठीक है। यहां पे 5c, a बराबर 5c और स्क्वायर करने पे दोनों पक्षों का a स्क्वायर बराबर 25c². अब समीकरण एक, समीकरण दो में a स्क्वायर को इक्वेट कर दिया हमने, बराबर कर दिया। यहां पे 5b² बराबर 25, 5b² बराबर 25c² और पांच ने इसको कट कर दिया पांच बार, ठीक है। तो यहां प्रमेय 2.3 के अनुसार वही 2.3 एक बार फिर से लग रही है ना बच्चों, समझिए ध्यान से। यस, कुछ बच्चों का कहना है कि सर एक बार फिर से शुरू से समझा दो ना, ये वर्गमूल पांच हमारा ध्यान इधर था नहीं। समझिए समझिए, देखो बच्चों, हमें 2.6 प्रमेय जो पेज नंबर 38 पे है सिद्ध करना है। वर्गमूल पांच एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। तो जैसे हमने वर्गमूल दो को, वर्गमूल तीन को एक परिमेय संख्या माना था, वैसे इस सवाल में भी वर्गमूल पांच को एक क्या माना, परिमेय संख्या हमने माना। हमें मालूम है इरेशनल नंबर है, फिर भी रेशनल नंबर मान लिया, तो वर्गमूल पांच बराबर a बटे बी। यहां a व b दो सहअभाज्य पूर्णांक है, तो वर्गमूल पांच बराबर a बटे बी का स्क्वायर, तो ये 5b² बराबर a स्क्वायर बना, ठीक है। अब यहां प्रमेय 2.3 के अनुसार a स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा, और फिर हम a बराबर 5 से लेके दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर किया। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पे a स्क्वायर बराबर हमारे को 5c² 25c² मिला। समीकरण एक व दो से 5b² इज इक्वल टू 25c² और 5 से वो कट गया, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए क्या क्या बदलाव हमें करना पड़ेगा, समझिए जरा। वही जैसे निष्कर्ष हमने यहां निकाला था, एक बार पुनः वही निष्कर्ष यहां निकल रहा है कि यहां प्रमेय 2.3 के अनुसार, वही प्रमेय जो सबसे पहले मैंने ली थी आज, उसी का जिक्र एक बार फिर से हो रहा है। 2.3 प्रमेय के अनुसार बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो 3 तो बदलना पड़ेगा, ही पिछले में था। यस, 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना बच्चों। अब आप समझ गए होंगे कि 2 में क्या चल रहा है, 5 में क्या चल रहा है, 3 में क्या चल रहा है। दोनों परिणामों से स्पष्ट है, कौन कौन से, एक ये परिणाम और एक ये परिणाम, दोनों परिणामों से स्पष्ट है कि a तथा b में 3 उभयनिष्ठ है, 3 की जगह क्या होने जा रहा है, 5। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों, 5 उभयनिष्ठ है, जबकि a तथा b सह अभाज्य संख्याएं ली गई थी, हमने को प्राइम नंबर लिए थे और आ गया कॉमन। इस विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत थी, कौन सी कल्पना,
कि अंडरवुड पांच, वर्गमूल पांच एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि वर्गमूल पांच जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, वर्गमूल पांच अपरिमेय संख्या है। और इसमें उदाहरण इसी तरह के हैं बच्चों, आप उदाहरण करके बैठिएगा तो आपको ये एक्सरसाइज आसान लगेगी। कौन सी? 2.3 एक्सरसाइज, ठीक है? तो संभवतः आप लोगों को ये तीनों, अंडर रूट दो यानी वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन और वर्गमूल पांच, जो हमने अपरिमेय संख्याएं सिद्ध की है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है? और उम्मीद है आज ही की तारीख में आप स्वयं इनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।